हमारा बैंड तैयार है, आप एक बार देखेंगे हमारा परफॉर्मेंस बैंड का? हमारा बैंड भी है? हाँ हाँ, क्या बात है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी हमारे बैंड के लीड सिंगर, ओह गॉड, मशहूर मशहूर डॉक्टर मशहूर गुलाटी। पहले मैं हेलो साउंड चेक ही नहीं किया, कैसे सिंगर? हेलो, ऐसे सिंगर हैं हम? प्रॉब्लम जी, मैं साउंड चेक करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं बीपी चेक करने के लिए पैदा हुआ। और तुम्हारी बातें हर वक्त 100% ठीक नहीं होंगी, तुमने खुद ही लिखा हुआ है यहाँ पे 89। आई एम फाइन। कैसे सिंगर हैं आप? अपने म्यूजिशियन को सलवार भी नहीं लेके दी आपने? सलवार नहीं, इन्हें जीन्स पहनी हुई है, ऊपर चढ़ाई हुई है। आप देखें, इसके पास खुद का घर नहीं है लेकिन छत साथ लेके घूम रहा है। आपको लगता है? मेरे को बहुत लगता है, कोई मारता है तो मेरे को लगता है। आपको लगता है अरिजीत के सामने आपका गाना कोई सुनेगा? नहीं। तो फिर? फिर भी मैं गाऊंगा। मैं आपको पहचान नहीं सका, सॉरी। बड़ी देर में मुझे लगा बैक स्टेज है, मैं किसी और से बातें कर रहा था। आपको समझते, दो तीन लोग थे। बाय द वे अरिजीत सिंह जी, व्हाट ए नाइस थ्रोट यू हैव। माइसेल्फ डॉक्टर मशहूर गुलाटी, YTMH। YTMH मतलब? यहाँ थूकना मना है। ये तो आप अपने माथे पे लिखवाओ ना। लिखवाया था मैंने। फिर? But yeah, you know, we are Indians. लोगों को पता नहीं होता। जहाँ लिखा होता यहाँ कचरा फेंकना मना है, वहीं कचरा फेंकते हैं। फिर मैंने रिमूव कर दिया वो। Well, Arijit, as a doctor, I must tell you कि मैंने आपको पहली बार देखा है। You are a good looking guy. मैं आपका मुंह देख के बताऊँ आप कैसे लग रहे हैं? नहीं, मत बताइए आप मुझे। क्योंकि मुझे पता है कोई आप हंसाने वाली बात करेंगे और मैं यहाँ पे लोगों के सामने हंसने का पात्र नहीं बनना चाहता। कमाल कर दिया यार, कमाल। पता है ये सिद्धु साहब, 35-40 एपिसोड हो गए, मैंने देखा है इस आदमी को। ये नहीं, नहीं सही बात है। आप कचरे के पात्र, आप हंसी के पात्र क्यों बनेंगे? देखा, रहा नहीं गया ना, कर दी ना मेरे मुँह पे बात, मौका ही चाहिए होता। मैंने ना आपको बताया नहीं कभी, आई एम बेसिकली आई एम ए सिंगर। मेरे ना अंदर गाने भरे हुए हैं, निकलने का चांस नहीं मिलता। बट अरिजीत, एज अ डॉक्टर आई मस्ट टेल यू, आई एम ए बिग फैन ऑफ यू। मैं जब भी आपका गाना सुनता हूँ ना, मुझे अपनी वाइफ की याद आ जाती है। आपकी वाइफ दो घूंट कहाँ मारती थी? ताई जी तो बीड़ी पीती थी ना। हाँ, कोल्ड ड्रिंक में घोल के वो बीड़ी पी जाती थी। उनको बाद में पता चला बीड़ी तो लाके पीते हैं, तो वो वैसे पीते रही है। अरे रुक जाओ। बट अरिजीत, मैंने वो आपका गाना सुना है, शनिवार रात ही मुझे नींद नहीं आती, मुझे एज ए डॉक्टर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया। मैंने कहा यार इतने ग्रेट सिंगर हैं वर्ल्ड वाइड एंड ऑल द यूनिवर्स, इनको नींद नहीं आती, तो मैं एज ए डॉक्टर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। सीधे साहब, मेरा फर्ज बनता है, मैं किसको हमको डॉक्टर बनता। आई हैव टू डू योर ट्रीटमेंट। नो यू कैन नॉट रन। एक सेकंड, एक सेकंड। आपके मक्खी फंस गई। निकालो निकालो निकाल दो निकाल दो। नहीं, मर गई।
एक सेकंड, आपका हेयर स्टाइल में डॉक्टर साहब ये ड्रम बजाओगे मुझे पता है तुम्हारा, और नहीं बजाते ड्रम बजाओगे तुम यार। चलो डॉक्टर साहब जुगलबंदी हो जाए, कोई जुगलबंदी, चलिए जुगलबंदी ने आई हैव टू डू योर ट्रीटमेंट प्लीज एज अ डॉक्टर। ओके अरिजीत जी, लेट नहीं सकता मैं? अरे लेट क्यों, आप तो टाइम पे हैं, बिल्कुल बैठे। शनिवार रात की क्या, अभी आपको शनिवार रात को 10:30 बजे के बाद तुरंत नींद आ जाएगी, बिकॉज कपिल शर्मा शो खत्म तभी होता है ना, उसके बाद आपको नींद आ जाएगी एंड आपको चैन की नींद आएगी, इसलिए ये चैन से ट्रीटमेंट करूँगा। आप देखिए सिद्धू साहब, सॉरी मैंने आपका शेर लगाया हुआ है यहाँ, मैं आपको बात कर लूँगा। ओके अरिजीत जी, आपको शनिवार रात ही चैन की नींद आएगी, आप इसकी तरफ देखिए। ठीक है, देखिए देखिए इसको, ठीक है, आप गिर मत जाना। नहीं नहीं नहीं, इसकी तरफ देखिए प्लीज आप। ठीक है, ओके, कुछ कह रही हैं? नो नो नो, शोम शोम शामो शाशा। मैंने पहले कहा था डॉक्टर नहीं है, टोटके करते हैं। नहीं, अब ट्रीटमेंट होगा। शाम शाम शामो शाशा, इसकी तरफ देखिए आप। नहीं मेरी तरफ नहीं, सिद्धू जी के शेर की तरफ। शाम शाम शामो शाशा, आंखें आपकी धीरे धीरे बंद होने लगेंगे। Sean, Sean, Shama, Shama, Sean, Shama, डॉक्टर साहब सो रहे हैं, इनका ड्रम बजाते हैं। डॉक्टर साहब उठिए, आप इधर ही सो गए आप। संडे हो गया, सारे बाल खराब हो गए आपके, ऐसा लगता चुड़ैल का मुंह पंखे में आया। यार मेरे को और कॉमेडी समझ नहीं आ रही, मेरे को नींद आ रही है। अरे यार कोई डॉक्टर को बुलाओ। आई एम माई सेल्फ डॉक्टर मिश्र गुलाटी, GBM, GBM मतलब गणपति बाप्पा मोरिया। आप डॉक्टर हैं? नहीं मैं बिल्ली हूँ। अच्छा। नहीं डॉक्टर हूँ यार, ये व्हाइट कोट पहने हुए। नानी नानी नानी, नानी पंडित जी नहीं आ रहे हैं। देखो इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, कहती पंडित जी नहीं आ रहे हैं, इनको पता है भी मेरी दवा से तो काम होगा नहीं, तो दुआ की जरूरत है ना, पंडित के पास चलेगी। वेरी नाइस। यार इनको होश में लाइए, ये मुझे बिना एडवांस दिए चली गई हैं। ये बेहोश है? हाँ जी। हाँ तो मैं लाती हूँ ना होश में, एक मिनट हटिए। मुझे जुराब किसने सुंघाया? नहीं जुराब किसी ने नहीं सुंघाया, दिस इज सेल्फ मेड ऑक्सीजन। और आपको पता है पंडित जी नहीं आ रहे हैं। क्यों? उनका कहना है कि पिछली बार जब वो आए थे तब आपने उनकी दक्षिणा छीन कर उनको गले पे काट लिया था। खैर छोड़, ये बता तुझे मोदक लाने के लिए कहा था ना, मोदक कहाँ है? हाँ वो तो कहीं गिर गए। तेरे पेट में गिरा होगा मोदी। अब आप बात सुनो, आप बिल्ली को कहोगे कि दूध ले आ, वो तो रास्ते में पिएगी ना। वो घूमने वाली छतरी लाने वाली थी, क्या हुआ, किधर है वो? ओ घूमने वाली छतरी मैं ही ला रहा था, वो रास्ते में घूम गई। अरे ये तो छोड़ो लाले, इसको छोड़ो, मैं बेहोश हो गई थी, मुझे तो कुछ पता नहीं। मैं क्या कहती हूँ, गनु बाबू को अंदर लेके जाते, स्थापना करते, सजावट करते, उसके बाद देखते। ए तू दूध लाई? हाँ तो दूध मैं मंगा लेती हूँ ना। ए चंदू जरा दूध लाना, अभी लेकर आया। चंदू तू मेरी, हाँ
ऑर्गेनाइजर बनकर तू हमें लूटना चाहता है मोया? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक्चुअली मैं भी कहूँ ना, ये मूंछ ऐसी होती है, ऐसे इसी जैसी मूंछ किसकी होती है भाई? देखो मेरा काम थोड़ा ढीला चल रहा था, मैंने सोचा थोड़ी सी डकैती मार लेता हूँ। मैं तेरी ना, एक मिनट मेरा हाथ छूट चुका है। अभी जोड़ ले हाथ जोड़ ले, गनु बाबा के सामने ऐसा नहीं करते। आज अच्छा दिन है, तुझे माफ कर दिया हमने। चलो पहले गनु बाबा को अंदर लेके चलते है। हाँ? आ जाओ। 1 2 3 4 गणपति जी की जय जयकार। 5 6 7 8 गणपति है हमारे साथ। 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.